बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता मलिक अपने यूट्यूब चैनल फ़ख्र पाकिस्तान के साथ। जी नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कराची की मुमताज़ शख्सियत की समाजी, सियासी और कुछ निजी ज़िंदगी पर। और कराची, इनका ताल्लुक कराची की एक बहुत मशहूर पार्टी MPM से है, MPM के रहनुमा और राबता कमेटी के रुकन डॉक्टर महफूज यार खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सर, पैदाइश कहाँ हुई और इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? पैदाइश तो मेरी हिंदुस्तान की है, बरेली की, और हमारे पाकिस्तान 1950 के बाद जी इब्तदाई तालीम जो है लियाकताबाद का एक स्कूल है अंजुमन इस्लामिया, वहाँ हासिल की। फिर जिना कॉलेज, फिर उर्दू कॉलेज, फिर जामे कराची। गर्ज ये कि तमाम जो मामलात जो हैं वो दाखिली के हद तक होते थे, बाकी तो वो ज़माना जो पढ़ने का था वो जेल के अंदर ही गुजर गया। अच्छा। तो ज़्यादातर जेल में रह के ही BA, LLB, MA, LLM सब मैंने पाबंद सलासल रह के ही किया है। सर, जेल में किस तरह, मतलब जेल अपना सियासी कारकुन के लिए तो रेल और जेल दो ही चीज़ें होती हैं। तो फिर सर, आपने शादी जो सी है अपनी पसंद से की या वालदैन की पसंद से की? इतमाम मामला इसमें, अब पहले तो कोई तैयारी नहीं होता था लड़की देने को, वो तो कहते थे उसको कुएं में फेंक दो, शादी ना करो। तो बस ये अचानक ही मुलाकात हुई, 5 मिनट में मैंने फैसला किया वो। अच्छा। अल्लाह को बता दिया। तो फिर यानी आप कहना चाह रहे पसंद की शादी, अब इसको कह सकते हैं पसंद की, जो कि देख के जो भी आदमी भा जाए और फैसला दैनन देर कर लिया जाए जी तो वो बेहतरीन होता है। तो अच्छा सर, आपका सियासी पार्टी से ताल्लुक है, तो घर में अमूमन किसकी सियासत चलती है? बेगम साहिबा का तो इंतकाल हो गया 2011 में। अच्छा। अब सियासत जो है वो नौकरों की चलती है। तो बच्चे कितने हैं और आपका किसी बच्चे का रुझान है आपके इस सियासत में कोई? मेरे 2 बेटे हैं, एक जो छोटा वाला है वो पेशे के एतबार से वकील है और वो MPM के लिए काम कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। बड़ा जो है वो टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है, वो सियासत की तरफ इतना रागिब नहीं है। अच्छा सर, आपके पास डिग्री है, LLB की भी डिग्री है, तो सियासत में कैसे आना हुआ, क्या शौक़ था और या फिर कोई खानदानी वाबस्तगी? नहीं नहीं, कोई शौक नहीं था। जब ढाका फाल हुआ तो मैं लियाकताबाद 10 नंबर पे मैंने देखा कि कुछ लोग बहुत ही नफीस किस्म के सफ़ेद कपड़े पहने हुए भूकड़ताल पे बैठे हुए हैं। अच्छा। पता चला कि ये वो लोग हैं जिनके आधी फैमिलीज मशरिकी पाकिस्तान में रह गई हैं। बस वो वहाँ से हमने उनके साथ खड़े होके नारे शारे लगाए, शाम तक कर्फ्यू लग गया शहर में और हमें बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल आपके लिए महंगे पड़े? नहीं, महंगे तो नहीं पड़े, अच्छे हो गए। शायद जेल न जाता तो मैं पढ़ भी ना पाता। अच्छा। जेल ने मुझे कम से कम इस काबिल बनाया कि मैं लिख पढ़ कर, मतलब आपकी आगोश बना, आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी के एक टर्निंग पॉइंट पर ये तमाम चीज़ें काम आई। ठीक है। अच्छा, कुछ अरसा पहले ना आपका एक बड़ा बेबाक बयानिया आया था कि मैं वोट फाड़ तो सकता हूँ, बेच नहीं सकता, तो ये इशारा किस तरफ था?
देखिए, जब मैं पिछली असेंबली में था, सूबाई असेंबली में, और उस वक्त हमारे कोई 18 लोग वो ख़रीद लिए थे जो हज़्ब मुखालिफ थे उस वक्त के बरसरे इख्तदार। उनसे मैंने ये कहा था कि मैंने कहा भाई मसला ये है कि ये वोट जो है पार्टी की अमानत है, बिल्कुल पार्टी जो मुझे कहेगी मैं उसको दे दूँगा। और मैंने फरोग नसीम को वोट दिया अपना सेनेटर की हैसियत से। तो जब मैं वोट डालकर आया तो मैंने अजराए मज़ा, ये सारे चीफ मिनिस्टर वगैरह बैठे थे, मैंने कहा अगर बयाना दे देते तो मुफ्त में ना डालना पड़ता आज। तो ये आदमी के उसूल की बात होती है। सही, पैसा दौलत उसके लिए कुछ नहीं होता है। आपका अगर इनर मुतमईन है तो आप फाका मस्ती में भी खुश हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में आपके मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्तगी रही है, तो आखिर में आप MQM को ही आपने क्यों इसको चुना? देखिए, मुख्तलिफ सियासी जमातों में मैं रहा और मैंने कोई जमात छोड़ी नहीं, मुझे निकाल दिया गया। आखिरी में ये जो शेख रशीद के साथ था मैं, अच्छा, तो उन्होंने भी मुझे फारिग कर दिया। किस बुनियाद पे? कोई सियासी इख्तलाफात? सियासी इख्तलाफ यही था कि मैंने इस शहर से 14 कौमी के और 22-23 सूबाई असम्बली के नामिनेशन भरवाए थे, और लाजिम बात है वो तो जो अहबाब थे वो इस काबिल नहीं थे कि इलेक्शन के अखराजात उठाएं। तो शेख साहब ने कहा था कि भाई हम कुछ करेंगे। जी जी। तो जब उन्होंने कुछ नहीं किया और उन लोगों ने अपना नामिनेशन भर के ऐलान किया तो उनको लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। और उस ज़माने में वो आए मेरे पास कि भाई आप लोग ना बैनर बना के दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो हम बैठ जाते हैं वरना हम लेट जाएंगे। आज़ाद था और MQM के कैंडिडेट थे कंवर नवेद जमील, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मसला ये है कि ये इलेक्शन हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है, अगर आप कुछ भी वोट ले लेंगे तो वोट हमारे डबल कम होंगे। अच्छा, मैं बेसिकली MQM से बड़ी मोहब्बत करता था, उनकी सपोर्ट करता रहा था हर एतबार से, तो मान के ठीक है। तो मैंने जाकर MQM के हक में विड्रॉल कर दिया और इस तरीके से MQM में शमूलियत हो गई। और ये उनकी मोहब्बतें थी कि उन्होंने मुझे बाई इलेक्शन लड़ा के सूबा असम्बली में भेजा, माशाल्लाह, और सूबा असम्बली में मैंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो ये सियासत के उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं जी। तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार है जी। और हमारे एहसास, मुझे ये यकीन है कामिल है कि ये जो 57 ममालिक हैं इस्लामिक डोमिनेटेड या मुस्लिम ममालिक जो हैं, वो कभी हमें डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगे। ये मेरे अंदर का इंसान कहता है। उसकी वजह ये है कि अगर हम एटॉमिक पावर या सलाहियत नहीं होते तो हम अब तक ख़त्म हो चुके ख़त्म हो चुके होते। हिंदुस्तान जो एक ऐसा दुश्मन है जिसने अभी भी कुछ ना मिला हिंदू मुस्लिम फसादात कराने के लिए, तो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करवाई और आज पूरी अरब दुनिया इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। और मुझे यकीन है कि जब ये लोग निकाल दिए जाएंगे खलीजी रियासतों से तो हिंदुस्तान को ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। और आने वाले इंतखाबात में मोदी जो है उसका मुंह काला होगा इंशाल्लाह, कश्मीर का बोल भाला होगा इंशाल्लाह, फलस्तीन के लोगों को आज़ादी नसीब होगी, यही हमारा नस्ल-ए-आइंदा है। तो अब आप समझते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो एक महफूज हाथों में है? देखिए, मुल्क तो हमेशा से महफूज हाथों में, इसलिए
हमारी अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान दुनिया की सबसे बेहतरीन अफवाज में से हैं बेशक। और जब तक हमारी मसल्ला अफवाज और कौम का उसको ताबून रहा, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का बाल्दी का नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने माशाल्लाह समाजी काम भी काफ़ी की है, तो आपकी पार्टी का समाजी काम में क्या करदार रहा है? ठीक है, हमारी जमात ने इस शहर में खिदमत के खल फाउंडेशन बनाई, जिसके तहत हमारी एम्बुलेंस मैयत गाड़ियाँ जी जी अपने मोर्चरीज छोटे छोटे हेल्थ क्लिनिक्स मुख्तलिफ टाउन्स में और इलाकों में चल रहे हैं। बड़ी बदकस्मती है कि केकेएफ को भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। अच्छा, और अगर आप हमारा जो यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी केकेएफ के साथी है वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे हमारी सैकड़ों एम्बुलेंस जो हैं वो खड़े खड़े जंग लग गए उनको, क्योंकि पता नहीं ये क्या उनकी सोच है कि वो खिदमत खल्क फाउंडेशन को काम नहीं करने दे। अच्छा। जिसका पहले तो उन्होंने हमें खाले जमा करने से रोक दिया। अच्छा, फितरा खैरात लेने से रोक दिया, लेकिन मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये साबित किया कि हम बग़ैर फितरे बग़ैर खालों के हम जिंदा रह सकते हैं और अपनी मदद आपके तहत काम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो होगी सियासी और सामाजिक कुछ गुफ्तगू, तो एक छोटा सा मैं आपका ज़ाती सवाल पूछना चाहूँगी, मौसीकी से कोई लगाव है? मौसीकी से तो हर अजी शऊर को लगाव होना चाहिए। किसको सुनते हैं? नहीं, सुनता किसी को नहीं हूँ, जो भी क्या सुनाते हैं जो भी लगा होता है सुन लेता हूँ, कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, पहले आप ये कह सकते थे पहले बेगम की सुनता था? नहीं, अभी भी अपना आप कैसेट ऑन करें जो भी आए पता ही नहीं होता है, या मतलब टीवी खास कोई आप करनी है कोई जो भी लग जाए ठीक है। नहीं, बस अपना कोई गजल कोई मेहंदी हसन और मुन्नी बेगम वगैरह अच्छे गायक थे और उनका जो कलाम था वो भी सूफियाना होता था। तो कभी गुनगुनाने की कोशिश की? हर वक्त ही गुनगुनाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं आपसे एक आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक्य सुनना चाहूँगी जो नाकाबिले फरामोश हो, जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया हो या खुशगवार लम्हात लाया हो, तो कैसा वाक्य शेयर करें? हर वाक्य ऐसा है जो ज़िंदगी में आपके इनकलाब ले आता है, और मेरे अपने ख्याल में तो ये है कि जब मैं पहली दफ़ा गिरफ़्तार हुआ हूँ और उसमें बगावत का मुकदमा मुझ पर बनाया गया, जो FIR अभी इमरान खान पे भी 124 ए की कटी है जी जी, और स्पेशल मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, तो वो जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे इतनी वो पजीराई और शहरत मिल चुकी थी, फिर मैंने फैसला किया कि मैं सियासत करूँ, वरना मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं था। अच्छा, तो वालदा ने भी सपोर्ट किया? मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वालिद बस बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन कभी जेल पे ही मिल ले लिया। अच्छा, तो आखिर में अगर आप इजाज़त दें तो कोई कौमी तराने की दो लाइनें सुनाना चाहिएगा। पाक सर जमीन शाद बाद, किश्वरे हसीन शाद बाद, तू निशाने अज़्मे आली शान, अर्दे पाकिस्तान मरकदे यकीन शाद बाद। पाक सर जमीन का निज़ाम, कुव्वते अकुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, साये खुदा यज़ुल जलाल। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तराना इन्होंने हमें सुनाया, और अल्लाह करे कि इसमें जो भी गुफ्तगू हुई है तराने में जो लफ्ज़ अदा किए गए हैं, पाकिस्तान इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान को, शाइस्ता मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह।